तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे। तो अभी यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ अंडा ब्रेड नाश्ते के लिए। अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो बस यहाँ पर हम बना रहे हैं अंडा ब्रेड। और ये ना मैं फर्स्ट टाइम इस तरह बना रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो अभी ना हस्बैंड जी को और बाबू को मैंने दे दिया है, ये मैं मेरे लिए बना रही हूँ। बेटी तो नहीं खाएगी। और भीम चालू है तो टीवी की आपको आवाज आएंगी। चले फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लुक इस तरह से आया है। और दो ब्रेड मैंने बनाए हैं, अभी देखते हैं दो खाए जाएंगे कि नहीं। और ये देखिए सॉस तो उधर बाबू के पास है। चले बस खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते। पक्का नींबू दे दिया उन्हें तो जी अभी मैं आई हूँ ऊपर वाले रूम में, क्योंकि आज मुझे फाइनली जो है ये बर्तन धुलने ही धुलने, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस ये बर्तन मैं अभी धुलूँगी, नाश्ता हमारा हो गया तो बस बर्तन धुलने के लिए मैं आई हूँ इधर। और साथ ही मैंने वॉशिंग में कपड़े डाले थे, वो भी निकालूँगी और दूसरे डालूँगी। हो रही है अजान और यहाँ पर मैंने देखे इतने बर्तन जो है वो धुल लिए हैं, बाकी के थोड़े बहुत हमारे बर्तन उधर है जिसमें सामान है, वो मैं नीचे ऐसे ही लेके जाऊंगी और फिर नीचे ही खाली करके जो इनको धुल लूँगी। तो चले मैं बताती हूँ उधर आपको। अभी अजान हो जाएगी उसके बाद बता। यहाँ पर देखे कपड़े हमारे जो है धुल गए थे, वो हमने बाहर डाल दिए और दूसरे वाले कपड़े मशीन में लगा दिए। ये है हमारे कुछ बर्तन जिनमें है सामान। और ये देखे ये एक टाकी है, इसमें कुछ कपड़े वपड़े, इसमें मेरी किताबें हैं। और ये एक टाकी, ये खंडा। हाँ रुक बेबी एक मिनट। तो बस ये कुछ बर्तन है, इनको हम ऐसे ही नीचे लेके जाएंगे, सामान नीचे खाली करेंगे और फिर नीचे इनको धो के रख देंगे। और मेरे एक सिस्टर ने बोला था कि जो वेस्ट सामान है वो निकाल देना, जो काम का है वही रखना। तो हाँ और नो इसकी आवाज़। हाँ जी सिस्टर, हम ना वेस्ट सामान जो है वो निकाल देंगे और जो काम का है वही रखेंगे। ये बाबू के खिलौने और इनके खिलौने की चार पांच थैली है, उधर टाकी में भी है। तो ये खिलौने में भी हम ना जो काम के वही रखेंगे, मतलब जो अच्छे हैं वो, जो ख़राब है वो निकाल देंगे। ये देखिए ये टंकी है खिलौने की, ये कोटी है इसमें, इसमें स्वेटर है, इसको भी नीचे ले जाएंगे, नीचे धुलेंगे बाहर। तो बस चले मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि हस्बैंड जी ने ना बैग नीचे लेके गए, ये बैग है उन्होंने साफ़ करके रखा और नीचे लेके गए। और आज हमें पूरा सामान खाली करना है, उसके बाद घर की सफाई भी करनी है हमें आज। तो चले मिलती हूँ मैं भी नीचे। जल्दी गेट लगा, जल्दी चल नीचे, पापा नीचे गए बेबी। चल अपन नीचे रुकेंगे, फिर पापा बैग लेके आएंगे ना। अरे मैंने कहा फेंकी पत्रे। ये देखे ये बैग जो हस्बैंड जी लेके आए। तो यहाँ पर बस मैं अभी ये बैग ना अभी ला के हस्बैंड जी ऐसे ही रख दें, फिर हम जो है वो सामान वो लाएंगे और जो हमने धुले बर्तन वो लाएंगे। आज जो है कबर्ड का काम भी फाइनली हमें निपटाना है। काम तो इतने ज़्यादा है ना, मतलब काम हो नहीं रहे। ये कुर्सी भी जो है ना बाहर हमें धुलनी है। खैर कोई नहीं, चले। खाने में ना आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, खाने में आज मुझे बनाना है सिर्फ वाइट वाले चावल, क्योंकि हमारी जो है दाल और क्या बोलते हैं उसको, चिकन की सालन ना रात की बहुत ज़्यादा जो है रखी हुई है, तो बस वाइट वाले चावल डालेंगे हम। और नाश्ता हो गया था हमारा, टाइम हो रहा है अभी 1:30 बज रहा है। पैजामा है और ये है, वो साफ़ करेंगे हम इसको ना, हस्बैंड जी जो है अभी लेके आए थे ओवन को। बाबू हट, इसको हम इधर ही साफ़ कर लेंगे, उसके बाद जो है किचन पर रखेंगे। क्या क्या साफ करेगा तू भी? हाँ। अरे टाट छोड़ दे, किसकी वायर पे रख दिया पापा ने उसका टेबल का ये। अरे ना निकल जा, निकल गया है ना, हट पापा, तू भी साफ करने लगना ना। हाँ।
फाइनली ओवन हमारा जो है वो क्लीन हो गया है। बहुत ज़्यादा ना इस पर डस्ट डर्ट इतना ज़्यादा हो गया था और इसका टेबल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो उसको ना हमने ये जो इस तरह का पेपर आता है ना तो उससे साफ़ किया। और मुझे ना ये साफ़ करते हुए 1.25 घंटा हो गया, मतलब अभी देखे 2:15 बजने लगे हैं देखो और टाइम। तो यहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा ये इसमें से ना घान मैस वगैरह निकली है। अभी ना बस इसको जो है एक अच्छे कपड़े से मैं पोंछ लूँगी तो ये हो जाएगा साफ़। और ये जो है तो ये देखिए ये इस तरह से इसको मैं बाद में आराम से जो है बैठ के करूँगी, अभी जो करना था वो उतना तो हो गया। और अभी बस मैं जा रही हूँ चावल डालने के लिए क्योंकि बेटी जो है स्कूल से आ जाएगी 2:30 बजे, तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो चले चलते हैं किचन में। खाने से पहले ना मैं सोची पहले आपको बता दूँ, तो देखिए इधर आगे से भी इसको मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ किया है। बहुत ज़्यादा डस्ट डर्ट इतना गंदा हो गया था ना ये बहुत ज़्यादा, तो बस इसकी हो गई फाइनली सफाई। एक बार जो है अच्छे से साफ़ कर लूँगी ना इसको तो फिर हो जाएगा, जो डस्ट वगैरह डर्ट थी उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। शाम के देखे 4:30 बज रहे और मैं जस्ट अभी जो है नहाने के लिए जा रही थी, लेकिन उससे पहले सोचा आपके साथ जो है मैंने ये ना कुछ सामान लिए तो ये शेयर कर दूँ। तो नहाने के लिए ना मुझे इसलिए इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि काम में लगी हुई थी ना, और फिर जब धूल मिट्टी के काम करो ना तो बिना नहाए जो है चैन नहीं पड़ता है। और ये देखिए एक पाउडर का डिब्बा हमने लिया था सुबह, गाड़ी वाले भैया आए थे सुबह नहीं दोपहर में 2:30-3 बजे की बात है। और ये एक न्यू कूशी ली थी, ये बेजिंग के लिए नया हमने ब्रश लिया है, और ये तीन नए कंगवे लिए थे जिसमें से एक हस्बैंड जी ने निकाल लिया है और ये दो है, और ये एक वाइपर लिया है। तो ऊपर ना वैसे ये ब्रश और वाइपर है लेकिन वो गंदे हो गए, उनको मैं ना फेंक दूँगी। और कंगवे भी जो है मेरे पहले के थे लेकिन अभी सामान शिफ्ट करने के चक्कर में धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, वो भी मैं फेंक दूँगी, इसलिए ना ये नए कंगवे लिए। और कुछ भी थी लेकिन होता है ना हम नया घर लेना तो न्यू सामान जो है लेते अच्छा लगता है। खैर ये वाइपर ना मैं ये वाला नहीं लेना था, मुझे जो अच्छे वाले आते ना थोड़े से वो वाला लेने का था क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा जल्दी ये ना गंदा हो जाता है इसका स्पंज। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हस्बैंड जी बोले कि अभी ले लो फिर हम जो है वो ले लेंगे। और हाँ हमने लिया है ये पोछा, किधर गया, हाँ ये तो ये पोछा लिया हमने, ये 100 रुपये में मिला था हमें, मेरा पहले वाला ना टूट गया, अभी मैं उसको ही वापर रही थी इस्तेमाल कर रही थी, अभी ये ले लिया है, बाद में जो बकेट वाला आता है ना तो वो ले लेंगे हम। दरअसल उसका ना ये सुनने में आ रहा था कि वो बकेट वाला पोछा जो है इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है, लेकिन खैर देखते हैं अभी ना। तो यहाँ पर ये ना बच्चों की सिलेट है जो वो आती है ना इधर लिखते, ये इससे ये ऑनलाइन हमने मंगाया था नाजरा को, और अभी जो है दोनों बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबू जो है सो रहे हैं और नाजरा गए हैं अपना ट्यूशन में। तो ये कुछ मैंने ना छोटा मोटा सामान लिया था और बस मैं जाती हूँ अभी नहाने के लिए, जा रही थी मैं। लेकिन ये देखिए ये थोड़ा सामान है जो हमने ऊपर से लाए ना, तो ये अभी इसको मैं खाली करना है, मुझे नहा के आऊँगी उसके बाद जो है इसका काम करूँगी, इसको खाली करूँगी और फिर ये चीज़ें मैं जो है वो धुल के रखूँगी। तो बस, और ये हमारा वो छापा है जो कि दीवार पे आपने देखा है ना वो छापा है। बाबू जो यहाँ पर सो रहे हैं झूले में, और झूला डालने का फ़ायदा हो गया है कि इनको जो है ना ये दोपहर, इनकी ना एक अलग ही आदत है, अगर ये दोपहर में इनको नहीं सुलाओ ना तो फिर ये ना रात में भी जो है ठीक से नहीं सोते। और ये हूँ मैं जो कि आपको दिख रही हूँ के, और ये वाला मैंने सूट पहना है, ये सूट आपने देखा होगा हम लोग जब बाहर खाना खाने के लिए गए थे ना ईद बाद, तो उस टाइम पे मैंने पहना था, काफ़ी टाइम हो गया उस बात को और तब से लेके अभी तक ये ऐसे ही रखा हुआ था, बस आज हमने यही सूट पहना है। साथ ही मैंने चाय भी चढ़ा दी है, तो चले देखते हैं चाय का क्या हाल हो रहा है उधर। और ये देखिए इतना ये इसका जो है शर्ट इतना ज़्यादा लॉन्ग है, और ये हमने खुद ही सिला था, वैसे मैंने ये बात आपको बताई थी। चले चलते हैं चाय पास। यहाँ पर चाय में आ रहा है उबाल, अभी हम इसमें डालेंगे दूध, बस फिर चाय वाय पिएंगे। तो ये है सिंगल बेड की चादरें, ये 10 चादर है बेडशीट है मतलब, इसमें से मैं 2 निकाल लूँगी अभी इस्तेमाल के लिए, बाकी की दीवान में रख देंगे।
और ये नरम वाले दुस्से है, ये पायदान है, इधर नीचे क्या बोलते हैं इसको गालीचे, ये दोनों। इसमें मैं पूरी नई चीज़ें रख रही हूँ। ये और ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, ये दोनों निकालते हैं अभी मैं। लेट आ गई थी, वापस क्यों चल गई क्या मन? बाबू चिल्ला मत। क्या हो रहे? क्यों मांग रहा? छुपे ये बैग। हाँ पहले काल। अरे पर वो ऐसी नहीं आ रही थी है ना, आड़ी आ रही थी। डबल मेहनत करना है, इतना लग रहा है ऐसा लग रहा है वापस कपड़े भरना पड़ेगा इसमें। मेरे तो इसका सामान इधर रखना पड़ेगा, ये बैग रखना पड़ेगा सिपरेट पहले। ये बैग काली वाली इधर रख लेंगे अपन, इधर जगह करके। बस ये अकेली आ रही वहाँ पे। अब देखना तेरे हस्बैंड जो तो रखने है, वहाँ रखना ना उसका जो है क्या-क्या पसंद है। हाँ तो एक आइडिया है ना मेरे पास, जो काली का सामान है ना तो मैं इसमें आजू बाजू रख लेती, क्योंकि काली बैग तो वैसे भी अभी जाने करेंगे तो लगेगी ना। कर लेना। हो रहा है 9:30 का में और यहाँ पर हम जस्ट अभी आए हैं। ये थोड़ा बहुत हमने किराना लाया है और साथ ही ना थोड़ा सा चाइनीज़ का जो है खाना, चाइनीज़ का नहीं मतलब चाइनीज़ लेके आए हमने मंचूरियन राइस वगैरह, क्योंकि रात में मैंने खाना भी ना बनाया नहीं था। गेहूँ लाने थे हमें, तो ये देखे गेहूँ लेके आए हैं हम 10 किलो और बाकी का ये कुछ ज़रूरत का सामान। एक मिनट रुक जा भाई, दूसरी चीज़ें तो थी हमारे पास। नाजुरा ये ले। तो ये देखे ये कुछ लाया हम, ये चाट मसाला सॉस और ये मेहंदी है, मुझे अच्छी लगती है। ओला कैंडी क्या हुआ बेबी? ये शेजवान और ये है हमारा खाना और ये है गेहूँ। तो बस सुबह हम चक्की लगाएंगे फाइनली। 2 दिन से आटा नहीं है घर में, मतलब 2 नहीं 1 दिन हुआ है। कल तो हमने रात में बनाई थी चिकन की सालन और रोटी। आज दोपहर में मैंने बोला था आपसे सिर्फ सफ़ेद चावल डाला था मैंने, और अभी जो हम ये लेके आए। तो चले खाना वगैरह खाते और वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। दूध उबल उबल के जो है ऐड गया, इतना था ये दूध। हम ना किराना लाने के लिए जा रहे थे, तब हमने बेटी को बोला था मतलब कि इसको बंद कर देना, धीमी गैस पर रखा था, लेकिन हम जाके आ गए तब तक ये जो है ऐसे ही पक रहा था और बेटी का बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैं बस अभी आई तो फिर मैंने इसको जो है अभी बंद किया और खैर ये हल हो गया इसका दूध का। लेकिन इतना अच्छा हुआ कि ये गिरा नहीं, वरना ना फिर दूध उबलने से ज़्यादा जो इधर गिरता है और फिर उसको साफ़ करना पड़ता, वो बड़ी जो है दिक्कत होती है।